और सभी पहलवानों को हमने इस साल होने वाले वार्षिक कुश्ती समारोह के लिए चुना है। मैं आपका पहलवानी और कुश्ती का उस्ताद हूँ, यानी तुम्हारा गुरु हूँ, जो आपको पहलवानी और कुश्ती के कुछ अनोखे करतब सिखाऊंगा। आप सभी को आज ही मेरे साथ मेरे गांव के अखाड़े चलना है। हम इस जंगल के रास्ते होते हुए जाएंगे तो सुबह होने से पहले ही अखाड़े पहुंच जाएंगे। तो मेरे चेलो, मेरे पट्ठो, चलो मेरे पीछे। अरे गुरु जी, हम सब चलते चलते थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो थोड़ा आराम कर लिया जाए। क्या तुम सब पागल हो गए हो, जो इस जंगल में वो भी इस जगह आराम करना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है, पुराने जमाने के जो राजा महाराजा थे, उनके दरबार में जो नाचने वाली नर्तकियां थी, वो जब मर जाती थी तो इसी जगह पर जलाया और दफनाया जाता था उनको। और सब लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटक रही है, और तुम यहाँ आराम करोगे? अरे बोलो जी, ऐसे फाजी बातें तो लोग अपने मनोरंजन के लिए बना लेते हैं। आप भी उनकी तकिया उसी बातों पे आ रहे हैं। चलो छोड़िए ना, हम तो आराम कर रहे हैं। चलो भाई, थोड़ा आराम कर लिया जाए। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं भी कुछ दो चार गाने सुन लेता हूँ अपने ईयरफोन लगा। अरे देखो तो, मैंने तुम सबसे दो मिनट आराम करने के लिए कहा था, तुम तो अपनी नींद पूरी करने लगे। चलो खड़े हो, सुबह तक हमें अपने अखाड़े पहुंचना है। अरे खड़े हो भी जाओ और चलो मेरे पीछे पीछे, बहुत हो गया आराम। देखो भाइयों, लोग आ गए हम दंगल में, तो मेरे पट्ठो, मेरे पहलवानों, याद रखो, पहलवान वो होता है जो सूखी जमीन की कठोर मिट्टी को अपने हाथों से मसल के उसे मुलायम बना देता है और अखाड़े में सबके छक्के छुड़ा के भौकाल जमा देता है। तो आपको आज ऐसा ही कुछ प्रदर्शन करके हमारे देश के सभी पहलवानों को समर्पित करना है। तो मेरे पट्ठो, मेरे पहलवानों, सब दर्शकों को बताओ कि कुश्ती में जंगिया दाव कैसे लगाते हैं। क्या कर रहे हो तुम सब, ऐसे रेशमी दुपट्टे की तरह क्यों लहरा रहे हो? दर्शकों के सामने मेरी बेइज्जती मत कर मारो। ए अभी सभी दर्शकों के सामने यह बताओ कि कुश्ती में सांडी दाव कैसे लगाते हैं। लगता है नाचने वाली नर्तकियों की आत्माएं इनके अंदर घुस चुकी हैं। अब तो दादा भयंकर को बुलाना पड़ेगा जो इनको ठीक कर सकेंगे। बड़ी जरूरत है। बाबा जी, मेरे पट्टे पहलवानों को ठीक कर दो, अच्छे भले पहलवान थे, जलेबी भाई बन के घूम रहे हैं। अच्छा बच्चा, ये है सब तुम्हारे पहलवान,
ये सब कैसी हरकतें कर रहे हैं, जरा हम भी तो देखें। अरे मेरे पहलवानों, जरा बाबा जी को दिखाओ कि धोबी पचाड़ कैसे लगाते हैं। अरे तू क्यों यहां अकेला खड़ा रह गया?
तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल मेरे साथ चल मेरे पीछे पीछे आ जा।